हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो, एक्चुअली यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए का ये नोट्स है, तो ये भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा। बस थोड़ा सा बाकी है, इसमें थोड़ा कंप्लीट हो जाने दो। ये नहीं, इसे अच्छा तरीके से ये पिछले ईयर्स आप लोगों को दिया था, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पूछे इसमें से क्या एनसीईआरटी में से गए थे, और जो एनसीईआरटी में है वही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और कुछ नया नहीं होता। मतलब कुछ नया मतलब कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो होती है, जो एनसीईआरटी में नहीं, वो बस इस नोट्स में रहता। बाकी सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता, तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं अलग बुक पढ़ता हूँ या अलग बुक से नोट्स बनाता हूँ। सारा कुछ एनसीईआरटी है, ठीक है, और तभी तो क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एनसीईआरटी ही पढ़ना, कुछ भी चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो। तो खैर, वो डाल दूंगा मैं। अब आते हैं हम लोग इस पे, जल्दी फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर फूड इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वो टॉपिक भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो इसे लिख लेना एक बार, ठीक है, इसे लिख लेना। पहला पॉइंट है, कितना टोटल पॉइंट है, टोटल पॉइंट इसमें 20, 25, 22 या 23 पॉइंट है, ठीक है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबेसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नीट 2020, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऐसा मुझे लगता है कि नीट 2020 में आएगा। ग्रो इन मिल्क टू कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, ठीक है। एलएबी इंक्रीज विटामिन B12 इन कर्ड एंड प्ले रोल इन चेकिंग डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, तो एलएबी का कॉन्सेप्ट पकड़ लेना। द डफ विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ठीक है। और एक बात देख लो, जहाँ पे नीट 2019 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा उसे 20 करने, तो उसे 20 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ नीट 2020 इसे भी कर लो। The dough which is used for making bread is fermented using baker yeast Saccharomyces cerevisiae. ये 2020 के लिए इम्पोर्टेंट रखना। टोडी, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ southern इंडिया इज मेड बाई फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम palms. लार्ज होल इन स्विस चीज भी इम्पोर्टेंट है, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि CO2 से जितने भी मिले हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, और इधर LA भी मैंने बता दिया, ठीक है। नोट्स पढ़ लेना ना पूरा, इम्पोर्टेंट पे क्या जाना है एक बार पूरा ही पढ़ लेना। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपायनोबैक्टीरियम सरमनी, तो ये नाम याद रखना। द रोक्यूफोर्ट चीज, नीट 2020, रोक्यूफोर्ट चीज आर डिपेंड बाई ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called Brewer yeast is used for fermenting malted cereals and fruits juice to produce ethanol. ठीक है, तो ये पॉइंट भी नीट 2020 कर लेना। एक ही चीज है जो ऊपर में था, वाइन एंड बियर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर देता हूँ। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, देखो विस्की ब्रांडी रम, फिर से विस्की ब्रांडी रम, ये जो होता है डिस्टिलेशन के साथ प्रोड्यूस होता है। वाइन बियर जो प्रोड्यूस होता है वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर है। विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। पेनिसिलिन इज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू डिस्कवर्ड, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर्ड हुआ था। ऊपिंग कफ खाली खांसी बोलते हैं, डिप्थेरिया मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है, तो ऊपिंग कफ खाली खांसी डिप्थेरिया गलगोटू लिप्रोसी कुष्ठ रोग। पहले समय में लिप्रोसी हुआ करते थे तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था, उनके गांव ही हुआ करता था, विलेज बोलते हैं, तो उनके विलेज से निकाल दिया जाता था, क्योंकि बोला जाता था कि इसने कुछ पिछले जन्म में पाप किया है या कुछ बुरा काम किया है, इसलिए अभी इसे ये बीमारी हुआ है, ठीक है। पहले समय में ऐसे ही बोला करते थे। अब लिप्रोसी की मतलब अब खत्म हो चुका है, 100% बोल सकते हैं कि लिप्रोसी खत्म हो चुका है। कुष्ठ रोग इंडिया में तो ऑलमोस्ट बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, पढ़ लेना एक बार।
अब आते हैं, ये तो पूछ ही दिया नीट 2019 में। एस्परजिलस लिखा भी था और आ भी गया। एस्परजिलस नीगर फंगस साइट्रिक एसिड एसिटो मैच ऑफ द फॉलोइंग ही करके पूछते हैं ये सारा कुछ। एसिटो बैक्टर एसिटिक बैक्टेरियम एसिटिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टेरियम ब्यूटायरिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड से होता है। अब यहाँ पे फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग करके ही पूछेंगे इसका यूज। लाइपेजेस यूज्ड इन डिटर्जेंट पेक्टिनोसिस एंड प्रोटीओसिस यूज्ड इन बोतल फ्रूट जूस स्ट्रेप्टोकाइनस कैचे के लिए होता है ब्लड क्लोटिंग रिमूवल साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ठीक है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब हम लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तब ये इस्तेमाल होता है ठीक है साइक्लोस्पोरिन ए। फंगस प्रोड्यूस्ड बाई अच्छा ये प्रोडक्शन इसका होता है प्रोड्यूस्ड बाई फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ठीक है प्रोड्यूस्ड बाई फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। स्टेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाई यीस्ट मोनस्कस प्यूरपेरियस यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ठीक है। तो ये लाइपेजेस पेक्टिनोसिस प्रोटीओसिस स्ट्रेप्टोकाइनस साइक्लोस्पोरिन ए स्टेटिन्स स्टेटिन्स ये पूरा कहानी याद रखना। अब आता है नीट 2020 2020 पूरा यहाँ पॉइंट नंबर 19 से लेकर के आपका पॉइंट नंबर 19 पूरा पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 19 तो नहीं है वो 15 से लेके 16 तक नहीं पूरा पॉइंट नंबर 15 में ही सारा कुछ है। चलो हम लोग देखते हैं। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग ट्रीटमेंट इज डन बाई हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन दी सीवेज। अभी स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे होता है। पहला होता है मतलब स्टेप होता है ऐसे नहीं कि एक ही बार में पूरा ट्रीटमेंट हो गया सीवेज ट्रीटमेंट और डायरेक्ट क्लीन वाटर निकाल दिए नहीं वैसा नहीं होता स्टेप वाइज होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है पहला फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम दी सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन फ्लोटिंग डेबिस इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द ग्रीट सोइल एंड स्मॉल पीपल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज ठीक है इसका रिमूवमेंट होता है। फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को। फ्लोकस मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेज BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिफर्स टू दी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कहानी याद रखना। इकोलॉजी में हकीकत मतलब इकोलॉजी में इसका क्वेश्चन इकोलॉजी से डिराइव करके पूछा जाता है। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है क्या चाहिए वहाँ से पूछा जाएगा कि आपका कि बायोकेमिकल BOD अगर इंक्रीज कर जाता है किसी वाटर का तो क्या होगा ठीक है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ नीट 2016 फेज वन का पेपर देख लेना मालूम चल जाएगा। नीट 2016 फेज वन और फेज टू दोनों में दिया हुआ है क्वेश्चन दोनों पेपर देख लेना। रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ O2 देखो अब BOD क्या चीज बोलते हैं रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ O2 दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ H2O वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल जितना BOD ज्यादा होगा उतना ही पॉल्यूशन ज्यादा होगा वाटर का ठीक है। The effluent is passed into a settling tank. फिर कहाँ पे आता है settling tank where flocks are allowed to sediment after BOD is reduced. BOD को कम किया जाता है और उसके बाद हम लोग क्या चीज कहाँ पे flocks are allowed to हाँ sediment में फिर से डाल दिया जाता है flocks को. This sediment is called activated sludge. फिर मतलब activated sludge settling tank में क्या होता है कि BOD reduced होता है BOD reduced होने के बाद activated sludge में डाल दिया जाता है। स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इन टू द एरिटेशन टैंक टू सर्व एज द इनोकुलम द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इन टू अ लार्ज टैंक कॉल्ड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कब आता है सीक्वेंस याद रखना सीक्वेंस है इससे भी शॉर्ट फॉर्म में सीक्वेंस है ये रहा सीक्वेंस ठीक है सारा कुछ है इसमें नोट्स में सारा कुछ है। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टेरिया विच ग्रो एनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टेरिया एंड द फंजी इन द स्लज। बैक्टेरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज CH4 H2SO2 इंपॉर्टेंट है ये मिथेनोजेंस याद रखना और बायोगैस को याद रखना।
ठीक है, मिथेनोजेंस और बायोगैस गैसेज सच एज सी एच फोर एच टू एस सी ओ टू, दीज गैसेज फॉर्म बायोगैस एंड एज एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल। फिर आता है सीवेज ट्रीटमेंट इन शॉर्ट फॉर्म। प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, पहले सॉलिड रिमूव होगा, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। फ्लॉक्स आप लोगों का कम किया जाता है, बीओडी इसमें इरिटेशन टैंक में जाएगा, फिर बीओडी को डिक्रीज करेंगे, फिर सेटलिंग टैंक में जाएगा, सेटलिंग टैंक मीन्स एक्टिवेटेड स्लज, फिर पम्प बैक होगा इरिटेशन टैंक में, ठीक है। और जो बाकी बाकी जो रहेगा वो लार्ज टैंक में आ जाएगा, जिसे एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं, डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई इन दी स्लज। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान एम्स 2020। मिथेनोजेंस मिथेनो बैक्टीरिया प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ सी एच फोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी एच फोर सी ओ टू एंड एच टू, दिस बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन एनएरोबिक स्लज। करते क्या है वो एरोबिक दे देते हैं, और एनएरोबिक आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हो, मतलब याद ही नहीं रहता, तो ध्यान से पढ़ना एनएरोबिक होता है। AIPMT 2010, 2009, 2008 में लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन अ पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ कैटल, दस दे एक्सक्रीट डंग ऑफ कैटल कॉमनली कोल्ड गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। नॉर्मल सा पॉइंट है, कैटल के ह्यूमन में रहता है, स्टमक में रहता है आप लोगों का, वो चीज डंग की बात कर रहा, ठीक है। और गाँव में जाइएगा तो उसका बहुत डिजाइन डिजाइन से बना करके रखते हैं, और धूप में सुखाते हो, और वो एक तरह से आप गैस की तरह इस्तेमाल करते हो उसे, ठीक ना, फ्यूल की तरह। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायो गैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूट, एम्स के लिए ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रीज कमीशन। बायो कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। अब देखो अभी इसमें जितना बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, जितना भी आएगा आपका। लेडी बर्ड एंड ड्रैगनो फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ ऑपलिट्स एंड मॉस्क्यूटो रिस्पेक्टिवली, पहला। बीटी बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, बेकुलो वायरस यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन दी जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये वाला, ठीक है। बेकुलो वायरसेज आर पैथोजन डेट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड, कौन किसको कैसे अटैक कर रहा है ये चीज याद रखना, कोई प्लांट के लिए है, कोई आर्थ्रोपोड्स के लिए है, कोई वायरसेस के लिए है, कोई इंसेक्ट्स के लिए है, कोई मॉस्क्यूटोस के लिए है, तो उस तरीका से याद रखना। दिस आर स्पेशली यूज इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम। ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग फंजाई डेट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। और जल्दी से बताओ ट्राइकोडर्मा किसका फॉर्मेशन करता है, अभी मैंने बताया ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन ए, क्या चीज, साइक्लोस्पोरिन ए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, साइक्लोस्पोरिन ए फंगस ट्राइकोडर्मा, प्रोड्यूस्ड बाई फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म डेट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सोइल, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक इसे बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉरी यहाँ एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज बाई द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो सिम्बायोटिक नॉर्मल ऐसे भी इसे प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन एजोसिप्रिलियम एंड एजोटोबैक्टर इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन द सोइल, सोइल में न्यूट्रिएंट इंक्रीज करते हैं, और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। फिर आता है फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट माइकोराइजा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा, फॉस्फोरस इज एब्सॉर्ब बाई फंगल सिम्बायोट्स फ्रॉम सोइल एंड पोजेस इट टू द प्लांट्स। लास्ट है दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन, ये वाला थोड़ा याद रख लेना। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनली ऑफ विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड अबिना नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, तो एग्जाम्पल बस इसका याद रखना, ठीक है। ये हो गया सारा कुछ, इधर से एक्चुअली पूछते नहीं, एम्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, इधर से जितना पूछना वो अभी नीट पे अभी इसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, और थोड़ा सही ढंग से पढ़ना,
मतलब ऐसा देखो, ये किस लिए आप लोगों को बोलता हूँ, 13 मिनट 15 मिनट लगता है, इसका इमेज खींच करके अगर डाल दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, पर उसका आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग लिखोगे नहीं, उसी को बस पढ़ोगे, जब तक लिखोगे नहीं सुनोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। तो देख लो, ये था आप लोगों का बायोगैस, फिर आप लोगों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी दिया हुआ है, ये देख लो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये ओरिजिनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये पूरा का पूरा डायग्राम है, ठीक है। और ये आप लोगों का फर्मेंटर्स है, फर्मेंटर्स ऑफ प्लांट है, फिर यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, वायरसेस और ये, तो ये हम लोग सारा कुछ देख लिए। और लास्ट में एक चीज़ जो दिखाना था, इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, जो मैंने ओसिलेटोरिया तक बता दिया वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आप लोगों का कोशिश कर रहा हूँ मैं कि फटाफट कंप्लीट कर दूँ जितना जल्दी हो सके, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, पर एक एक यूनिट कर करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे अपलोड नहीं होगा, इस चैप्टर से, इस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जितना नोट्स है नोट्स ही क्वेश्चन है, नोट्स ही सारा कुछ है, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, लिख जरूर लेना हर एक पॉइंट को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसे देख करके इसे भी कंप्लीट कर देंगे, कौन सा चैप्टर है, स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेबिटेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसे भी कंप्लीट कर देंगे, फिर ह्यूमन हेल्थ आएंगे, ह्यूमन हेल्थ भी कंप्लीट करके फिर आ जाएंगे इकोलॉजी या क्लास 11 में ह्यूमन फिजियोलॉजी पे।